दानिश क्या कर रहा है वहां पर? रोको उसे। आठ साल में पहला सुराग मिला है, तो इस बात को मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अंडररेटेड फिल्मों के बारे में जो आपको इलाके रख देगी, जिनमें आपको सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये सभी फिल्में आप एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा केजीएफ चैप्टर 2 कब आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है 2010 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म गंगाजल, जिसकी कहानी एक ईमानदार पुलिस वाले के अराउंड लिखी गई है। और जब उसका ट्रांसफर एक ऐसे शहर में होता है जहां एक ऐसे बाहुबली का राज होता है जो पुलिस वालों को अपने जूतों के नीचे रखता है, तो आखिर क्या होगा जब इस बाहुबली का सामना एक ईमानदार पुलिस वाले से होगा? जवाब मिलेंगे गंगाजल में। नंबर 9 पर आती है 2010 की रक्त चरित्र, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अंडररेटेड मूवी है। फिल्म में दिखाया गया है जब एक बेटा अपने बाप के हत्यारों की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे इंसाफ दिलाने की जगह उसी के भाई की लाश थमा देते हैं, तो कौन है इन सब के पीछे और आखिर पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी बातों के जवाब छुपे हैं रक्त चरित्र में। अगली फिल्म है 2016 की सरबजीत, जिसे गलती से भी मत छोड़ना। इस बार कहानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की है। सरबजीत जो कि नशे में गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला जाता है, जहां पाकिस्तानी आर्मी उसे जासूस समझकर पकड़ लेती है, तो आखिर कैसे सरबजीत वापिस आएगा? वहीं दूसरी तरफ सरबजीत की बहन जो अकेली पाकिस्तान से युद्ध लड़ रही है, तो आखिर कैसे वह अपने भाई को निर्दोष साबित करके अपने देश वापिस लाएगी? फिल्म आपको रणदीप हुड्डा की एक्टिंग के लिए भी देखनी चाहिए, जिनकी एक्टिंग आपकी सांसें रोक देगी। नंबर 7 पर आती है 2016 का एक और मास्टरपीस वजीर। अगर बात करें कहानी की, तो एक पुलिस वाला जो टेररिस्ट ग्रुप का पीछा करता है, और जब उनके साथ लड़ाई में गलती से उसकी बेटी की मौत हो जाती है, यहां से शुरू होती है फिल्म की कहानी। तो आखिर कैसे वह पुलिस वाला अपनी बेटी का बदला लेगा? फिल्म में आपको सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन का जबरदस्त डोज मिल जाएगा, तो जाइए और देखिए वजीर। नंबर 6 पर आती है 2007 की गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म शूट आउट 8 लोखंडवाला। कहानी इस बार 25 से 30 साल पुरानी मुंबई की है, जहां माया भाई नाम के आदमी का खोप होता है। वहीं दूसरी तरफ इसके खोप को कम करने के लिए ATS जो उनको एनकाउंटर में खत्म करना चाहती है, तो किसकी होगी जीत इस खूनी खेल में? जवाब मिलेंगे शूट आउट 8 लोखंडवाला में। अगली फिल्म है 2013 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी अगली। बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो अपनी बेटी को घुमाने ले जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो चुका है, तो आखिर कौन है किडनैपिंग के पीछे और इस बच्ची को आखिर क्यों किडनैप किया? फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस के साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों का असली चेहरा भी देखने को मिलेगा, और यकीन मानिए क्लाइमेक्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। अगली फिल्म आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सोचिए अगर आप आराम से चैन की नींद ले रहे हैं और कोई पत्थर से आपका सर फोड़ फोड़ कर मार डाले। जी हाँ, यही कहानी है द स्टोन मैन मर्डर की, जिसमें एक सीरियल किलर जो सड़कों पर सो रहे लोगों को पूरी तरह एक एक करके मौत का चेहरा दिखा रहा है। तो आखिर क्यों वह ऐसा कर रहा है और क्या पुलिस एंड तक उसे पकड़ पाएगी या नहीं? फिल्म इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड मूवी है, जिसे गलती से भी मत छोड़ना। नंबर 3 पर आती है 2018 की सबसे अंडररेटेड मूवी ब्लैकमेल। मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी बता के आपका मजा नहीं खराब करूंगा, बस मेरी मानिए और सीधा फिल्म देखिए। फिल्म में आपको सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और इस फिल्म को देखने के बाद बॉलीवुड के लिए आपके मन में कुछ तो इज्जत बढ़ जाएगी। फिल्म बाहर से तो कॉमेडी मूवी लगती है, लेकिन जब आप देखोगे तो पता चलेगा हकीकत कुछ और ही है। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है 2016 की एक और दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 3। अगर बात करें कहानी की, तो कहानी इस बार कोलकाता के एक ऐसे आदमी की है जो अपनी पोती के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन जब एक दिन मिस्टीरियस तरीके से उसकी पोती को कोई किडनैप करके मार देता है, और जब पुलिस भी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, तब वह एक प्रीस्ट की मदद लेता है अपनी पोती को ढूंढने में। तो क्या एंड तक वह अपनी पोती के कातिलों को ढूंढ पाएगा या नहीं? और आखिर में नंबर 1 पर आती है KGF, एक ऐसी फिल्म जिसको किसी भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। फिल्म लगभग सभी ने देख ली होगी। फिल्म में इस लिस्ट को रखने का यही कारण है कि मैं आपको इसके दूसरे पार्ट की रिलीज डेट बताना चाहता हूँ। हाल ही में KGF के लीड रोल एक्टर यश ने KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि शायद KGF चैप्टर 2 हॉल में रिलीज होने की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।